सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। और ये मार्थन कंपनी का मोटर है, मेड इन इंडिया, और ये कूल होम जैसा ही मोटर है। ये डबल साफ्ट कटी हुई इसकी आप ये देख सकते हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस है मतलब चलने की क्षमता बहुत ही गजब है। आप इसे देख सकते हैं कि इसकी जो रफ्तार है काफ़ी तेज है। मोटर अगर आप इस डाटा से बनाओगे तो काफ़ी अच्छी मोटर की जो स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। आप देख सकते हैं कि ये रोकने पर भी रुक नहीं रही है, काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एमडी टेक्निकल टेक में आपका स्वागत है, और आज मैं बताऊंगा कि कूलर की मोटर कैसे बनाई जाती है। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। तो इसे सबसे पहले हमने कटिंग कर लिया है, आप ये देख सकते हैं कि ये कट कर लिया है, और अब हम इसे बनाएंगे। मतलब सबसे पहले तो इसे निकालेंगे, और उसके बाद में हम इसमें पेपर डालेंगे। पेपर किस तरीके से डालना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं, तो इस चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके जो वार्निंग वायर था वो निकाल लिया है पूरा। अब ये खाली हो गया स्टेटर। अब इसके अंदर हम पेपर डालेंगे। तो पेपर किस प्रकार से डालेंगे, कटिंग पेपर मिलते हैं मार्केट में, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने एक पेपर डाला हुआ है इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये पेपर मिलते हैं, ये बता देता हूँ आपको मैं, इस प्रकार से ये पेपर मिलते हैं मार्केट में। तो आप इसे बड़ी आसानी से इंस्टॉल मतलब इसके अंदर डल जाते हैं ये पेपर, करना कुछ नहीं है इसमें। इसे इस प्रकार से मोड़ना है और इसमें लगा देना है ये। आराम से इसमें पेपर डाल लें कंप्लीट करके। ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर डल चुके हैं, और अब हम इसकी नप्पी लेंगे कि ये किस प्रकार से कितनी साइज़ में हमारी जो क्वाइल है वो कितनी साइज़ की बनेगी, उस हिसाब से हम नप्पी लेंगे इसकी। ये आप देख सकते हैं कि हमने दो स्लॉट छोड़कर चौथे और दो स्लॉट हमें छोड़ना है, और ऐसे किसी वर्निंग करना है हमें, जैसे एक में दो बार और दूसरे में तीन बार की तरफ हमें इसमें वर्निंग करेंगे इसकी। इसकी अब कॉइल बना लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसकी कॉइल बना ली है, और हमने इसमें 30 नंबर कॉपर वायर लिया है, और इससे हमने 110 टर्न लिए हैं। तो अब इस स्टेटर में ये कॉइल डालते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने दो स्लॉट छोड़े हैं, और एक एक स्लॉटों में हमने एक एक बार लिया है, इसमें डबल बार लेना है। एक ही स्लॉट में दो बार कॉइल हमें लेना है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने डबल बार लिया है, एक ही स्लॉट में हमने दो बार कॉइल ली है, और जो कॉइल की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लें नप्ती के हिसाब से। तो अब इन दोनों में हम पेपर लगा देंगे, इस प्रकार से इसमें पेपर लगा देंगे। फिर ये जो बची हुई हमारी जो कॉइल है वो इस जो बची हुई हमारी जो कॉइल है वो एक इस स्लॉट में लेना है हमें, और एक स्लॉट में लेना है। इन दोनों स्लॉटों में हम कम्प्लीटली जो बची हुई तीन बार में हमें इसमें कॉइल डालनी है। हमारी ये पहली कॉइल है वो डल चुकी है, अब हम दूसरी बार आटे में लगाएंगे। इसी स्लॉटों में ही हमें एक बार फिर से लेना है, और फिर तीसरी बार भी हम इसी स्लॉटों में इसमें कॉइल डालेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने दो स्लॉट छोड़कर कॉइल डाल ली है,
अंदर वाले में हमने इस वाले में दो बार लिया है, दो बार टर्न किया है, मतलब दो बार लगाई है कॉइल, और इसमें तीन बार कॉइल लगाई है। अब इसे थोड़ा सा और आगे खसकाएंगे हम इस तरीके से, एक कॉइल और लगेगी इसके अंदर। इसमें टोटल चार कॉइल लगेंगी हमारी रनिंग के लिए, और स्टार्टिंग के लिए हमारी चार कॉइल लगेगी। तो हमें ये वाला स्लॉट छोड़ना है, और एक ये यहाँ से ये वाले में दो बार कॉइल बिठाना है हमें, और फिर दो स्लॉट छूटेंगे, फिर दो बार हमें कॉइल लगाना है, मतलब बिठाना है। और ऐसी की ऐसी प्रोसेस चलेगी इसके अंदर। और इसमें कनेक्शन की बात कर देता हूँ मैं, ये वायर है, ये वायर किस डायरेक्शन में आना चाहिए, मेन वह होता है, इसी से हमारा जो रोटर है, हमारा जो फैन है वो घूमता है। अगर ये सही नहीं होगा तो हमारा जो फैन है घूमेगा नहीं, हमारा जो रोटर घूमेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको मैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कनेक्शन कैसे होंगे, इस कॉइल से इस कॉइल में हमें कनेक्शन देना है, इस कॉइल से इस कॉइल में हमें कनेक्शन देना है इसके। और हमने अभी ये सिंगल कॉइल लगाई है इसके अंदर, जैसे हमने इस कॉइल में करा था एक कॉइल में दो बार, वैसा के वैसा हम इसमें भी इस कॉइल में भी हमें दो बार ही करना है। साथ चारों कॉइल डलेंगी हमारी, पहले में दो कॉइल डलेगी, फिर तीन तीन कॉइल डलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही स्लॉट में दो बार कॉइल डलेंगी हमारी। आप ये देख सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने अभी आधा डाला हुआ है इसके अंदर कॉइल, और अब ये इस प्रकार से इसके अंदर बैठेगी, इस प्रकार से इसमें बैठ जाएगी कॉइल सारी की सारी, ठीक। आप देख सकते हैं कि हमारी ये दूसरी कॉइल भी डल चुकी है, जैसे हमने पहली कॉइल डाली थी वैसे की वैसे हमें दूसरी कॉइल भी डाली है। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी कॉइल डालना है हमें, और कनेक्शन का मेन ध्यान रखना है हमें कि ये कनेक्शन सही होना चाहिए। जब हम पहली कॉइल डालते हैं तो आपका ये अलग कॉइल का कनेक्शन इस कॉइल में जाएगा, लेकिन जब हम दूसरी कॉइल से तीसरी कॉइल में कनेक्शन करेंगे तो इस कॉइल का कनेक्शन यहीं के पास में आ जाएगा, मतलब इस कॉइल से यहाँ पर इस कॉइल में आ जाएगा। आपको इस कॉइल से इस कॉइल में लेने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉइल से इस कॉइल में यहाँ पे दूसरे वाले में यहाँ पे इस जगह कनेक्शन आपको देने होंगे। आप देख सकते हैं कि इस कॉइल से हमारी इस कॉइल में कनेक्शन गया हुआ है, तो इसी प्रकार से कनेक्शन करना है हमें। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो तीसरी कॉइल है वो डल चुकी है, और आप देखेंगे इसके अंदर जैसे हमारी पहली कॉइल डली थी इसी प्रकार से हमारा ये जो कनेक्शन वायर है इसी पोजीशन में था, ये वाला कनेक्शन वायर। तो जैसे हमने पहली कॉइल डली थी उसी को देखते हुए हम इसके कनेक्शन आप कर सकते हैं, मतलब ये कनेक्शन आपके आगे से आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। हमारा जो दूसरी कॉइल के जो कनेक्शन है पीछे से आगे की पीछे से पीछे की तरफ आया, और इस कॉइल के कनेक्शन हमारे इस कॉइल से इस कॉइल में गए थे, और इस कॉइल से इस कॉइल में गए थे, तो इस कॉइल से अब इस कॉइल में मतलब कनेक्शन जाएंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से कनेक्शन किए, उसी प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे, इस कॉइल के कनेक्शन इस कॉइल में आएंगे, तब जाके आपका पूरा सर्किट तैयार होगा, मतलब इस मोटर का, स्टेटर का, वायरिंग का सर्किट तैयार हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमारा रनिंग कॉइल कंप्लीट हो जाती है। तो इसे फटाफट से हम डाल लेते हैं, आखिरी कॉइल बची हुई हमारी चौथी कॉइल, सिर्फ कनेक्शन का ध्यान रखना है इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो कूलर की मोटर है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हमारे जो रनिंग कॉइल है वो डल चुकी है। अब बारी है स्टार्टिंग कॉइल की, तो स्टार्टिंग कॉइल भी ऐसे ही डालना है जैसे हमने रनिंग कॉइल डाली है, उसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉइल डालेगी। स्टार्टिंग कॉइल की जो प्रोसेस है मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि स्टार्टिंग कॉइल डलती कैसे है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।